तो क्या आप लोग जय उसो वर्सेस जिमी उसो देखना चाहोगे रेसलमेनिया 39 के अंदर? सो ये गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई जय उसो वर्सेस जिमी हो सकता है रेसलमेनिया के अंदर, इसको लेकर अभी से टीजर्स होने शुरू हो चुके हैं। तो भाई जय उसो तो निकल चुका है ब्लड लाइन से रॉयल रंबल के अंदर, पर जिमी उसो ने साफ साफ मना कर दिया है कि वो नहीं निकलने वाला है ब्लड लाइन से। अभी कुछ दिनों बाद फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में उसोस का मैच होने वाला है ब्रॉन स्ट्रोमैन और रिकोशेट के खिलाफ। तो हमें यह देखना होगा कि जय उसो जिमी उसो के साथ आते हैं मैच को लड़ने के लिए कि नहीं आते हैं। अगर जय उसो नहीं आते हैं तो हमें यह साफ साफ पता चल जाएगा कि रेसलमेनिया 39 में इन दोनों का मैच होगा। हम बात करें उसोस के चैंपियनशिप की, तो वो भाई जिमी उसो और सोलो सिकोवा के पास ही रहने वाली है। अभी जो स्मैकडाउन में मैच होगा उसोस का ब्रॉन स्ट्रोमैन और रिकोशेट के खिलाफ, पॉल हेमन कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। वो सोलो सिकोवा को जिमी उसो के साथ भेज देंगे टीम अप के लिए और वो अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को आगे डिफेंड करेंगे रिकोशेट और ब्रॉन स्ट्रोमैन के खिलाफ। मैच भी भाई वो जीत जाएंगे, ऐसे में हम साफ साफ कह सकते हैं कि ब्लड लाइन के पास ही रहने वाली है दोनों टाइटल्स। और जय उसो नहीं आएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि रेसलमेनिया में इनका मैच होने वाला है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो चुका होगा। तो भाई हमारी नेक्स्ट खबर जुड़ी हुई है ब्रे वायट से। ब्रे वायट के साथ क्या होता है, इन्होंने अपनी उंगली तोड़वा ली है, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। अब पता नहीं ब्रे वायट की उंगली कैसे टूट गई है, या वो पिच ब्लैक मैच में टूटी वाले नाइट से लड़ते समय, या फिर कोई मेन इवेंट में टूटी है, वो तो हम कह नहीं सकते। उंगली टूट गई, ऐसे में सवाल उठता है कि ब्रे वायट क्या WWE के अंदर आएंगे या फिर वो अभी कुछ दिनों की छुट्टी ले लेंगे, वो तो हमें देखना होगा। तो अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी को शुरू कर लेते हैं जो की जुड़ी हुई है रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस सामी सेन को लेकर। भाई ऐसे दिनों में कुछ रूमर्स बहुत ज्यादा निकल के सामने आ रही है, कोडी रोड्स वर्सेस रोमन वर्सेस सामी सेन होगा रेसलमेनिया 39 के अंदर। मैं आपको पहले तो ये बात क्लियर कर दूं कि रोमन वर्सेस सामी वर्सेस कोडी रोड्स नहीं होने वाला रेसलमेनिया के अंदर, रोमन वर्सेस कोडी होगा सिंगल सिंगल मैच। ऐसे में अगर WWE चाहे तो कोडी रोड्स के साथ साथ सामी जेन को भी इस मैच के अंदर ऐड कर सकती है, पर WWE के कुछ और प्लान्स हो सकते हैं सामी जेन के साथ। क्या पता WWE सामी जेन को केविन ओवंस के साथ WWE का चैंपियन बनवाना चाहती हो, और WWE कर सकती है। हमें तो बस ये मैच देखना होगा रोमन वर्सेस कोडी। आप इस मैच के लिए कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।